मुझे आप पे तो भरोसा है, लेकिन पैसे इसने दिए ना, इसीलिए गिनने पड़े। अगले हफ्ते ना आप पैसे रेडी रखिएगा और अपने हाथों से मुझे दीजिएगा, ताकि गिनने की जरूरत ना पड़े। मैं चलती हूँ। चली गई। ये क्या है? अरे सो गई। अरे जाएगी माँ। नहीं नहीं एक मिनट। हाँ हाँ। बहन जी। मारिया! मर गया। ये क्या बोल रही है? मारी बिस्किट। उसे हमेशा टूथपेस्ट के साथ मारी बिस्किट चाहिए। क्या? क्या बोल रहा हूँ, चाय के साथ हमेशा मारी बिस्किट खाती है ये। सुबह। ये मेरे बिस्तर को क्या हो गया? हाँ, मैं हूँ। बेड नहीं है, मैं हूँ। आप बैठी थी यहाँ पे? उठिए मामा। वाह बेटे वाह, क्या बात है। देखा प्रेमचंद जी, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। बेटे के हाथ कांपे नहीं पैसे देते वक्त, समझे जी? अरे बहुत अच्छे बेटे, शुक्रिया, आपका आशीर्वाद है बेटे। मैं आता हूँ। कांदा, बटाटा, टमाटर, पालक ले लो। हाँ दीपक भैया, आपने जैसे ही कहा कि जया दीदी कांदा बटाटा लेने बाहर आ रही है, हमने अपना लारी बाहर निकाल लिया है। हाँ, हमें पता है कि अगर जया दीदी मोहल्ले के बाहर जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि 2018 है। अरे आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने अपना हौलिया बिल्कुल बदल लिया है। सब्जी वाले रुकना एक मिनट, लगता है जया दीदी की जगह सुधाकर और उसकी बीवी आ रही है। लगता है भागना पड़ेगा, हम फोन रखते हैं। ए भाई, ए स्टे, किधर भाग रहे थे भाई? हाँ अच्छा सब्जी। हाँ बहन जी, अरे कब से बोल रहा हूँ, रुक जाओ और भाग रहे थे। अरे भैया आज का धंधा हो गया है, हमको जाने दो। सब सब्जी वैसी की वैसी पड़ी है और धंधा हो गया है। अगर ऐसा करोगे तो बीवी बच्चों को खिलाओगे क्या? इसी में से कुछ बना के खिला देंगे। एक दिन में सब सब्जी बनाओगे? पाव भाजी बना देंगे। जो खिलाना है खिलाओ, कांदा बटेटा दे के जाओ, ठीक है? जो लेना जल्दी लो, हमें जाने दो। हाँ, अरे ऐसे कैसे बात करते हो, भाव तो बताओ। भैया क्यों भाव खा रहे हो, मुफ्त में लेके जाओ ना। मुफ्त में? ऐसे कोई व्यापारी मुफ्त में सब्जी देता है? व्यापारी हो कि कुछ और हो? अरे साहब हम लोग खानदानी व्यापारी हैं। देखिए भैया, हम 7 पुश्तों से कांदा बटाटा का धंधा कर रहे हैं। एक मिनट, झूठ बोल रहा, नीचे झुक, झूठ बोल रहा तुम लोग, बताओ कौन हो? मैंने तो पहले भी तुम दोनों को कहीं देखा है। अरे भैया हम तो पहली बार इस मोहल्ले में आए हैं। फिर से झूठ, तुम दोनों फिर से झूठ बोल रहा, तेरी तो एक, ठीक है तेरा भी नकली दाढ़ी। बोलो कौन हो तुम, सच सच बताओ। ये तुम दोनों तो सिलेंडर देने आए थे। हाँ पर हम कैलेंडर बेचने नहीं आए थे। कैलेंडर देने भी तुम दोनों आए थे? बताओ कौन से ग्रुप में काम करते हो? भैया उनको पता है। पकड़ जी। कहाँ जा कर रहे हैं आप? अरे वो दोनों बहरूपी है, उसे पकड़ना जरूरी है। अरे मैं हूँ ना, मैं पकड़ के लेके आया सुधाकर जी। नहीं मैं पकड़ के लाऊंगा उन लोगों को। ठीक है सुधाकर जी, आप जाइए, मैं तब तक जिमना से बात करता हूँ। हाँ जी, मैंने ये मत छाना खो मैं यहाँ। तू पकड़ के ला, मैं बात करूँ। तुम्हें पहले ही कहा था ना, गंदे लोग पप्पू, बात नहीं करने का। उन लोगों की भी क्या हालत हो गई है ना, 2018 के साल में 2012 के भाव में जी रहे ले अपन लोग। चौकन्ना रहना पड़ेगा। और मिला जया को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये 2018 चल रहा है। अंकल क्या सॉलिड ट्रेजेडी हो गई ली अपन लोगों के साथ। मतलब जया भाभी की याददाश्त चली गई है, उसका दुख भी नहीं मना सकते।
और भगवान से ये प्रार्थना भी नहीं कर सकते कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जया को याद आ गया कि याददाश्त खोने से पहले उसने हमारे सारे झूठ पकड़ लिए थे तो मारे जाएंगे। प्रेमचंद जी, कौन मारे जाएंगे? मैं हाँ, मैं उर्मिला से ये कह रहा था कि अगर वो 500 रुपये खर्चे के बचे थे वो जया ले गई किराए के तौर पे, अब और कोई नया खर्चा आया तो हम तो मारे जाएंगे। मारेंगे क्या? मर गए। आई 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 आई, क्या हुआ? कुछ ऐसे कैसे मैं आपको मरने दूंगा? आप मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जी, ऐसे कैसे मरने दूंगा? ये लीजिए आपके किराए के 500 रुपए। अरे ये तो वही नोट है जो मैं वो सुन लेगी। ये तो वही नोट है जोर से जो मैंने अभी जया को दिए थे। ये आपके पास कैसे आ गए? क्या है, जैसे जया ने आपके पास ये 500 रुपए किराए के तौर पर ले लिया जी, तुरंत उसने ये पैसे मुझे लाके दे दिए। अब आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन आप ट्राई तो कीजिए। बोल के देखिए तो सही, हम क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। जैसे ही जया ने ये पैसे मुझे लाके दे दिए जी, मैंने सोचा 500 रुपए प्रेमचंद जी ने दिए इसका मतलब उनके पास तो कुछ बचा नहीं होगा, तो इसलिए ये पैसे मैं आपको देने के लिए ही आया हूं। अच्छा, लोखंडे जी अब चद्दर। क्या कह रहे हैं अंकल? क्या से पिताजी? हाँ बेटा, ये चद्दर हम गरीबों की इज्जत के पैर ढकने वाली चद्दर। आइए गले पड़िए, गले मिलिए, आइए। संभाल। हाँ 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 जी जी, धन्यवाद पिताजी, संभालिए पिताजी। अंकल गए पिताजी, गए। हॉल में क्या कर रही हो? वो मैं चल के जा रही थी। ऐसे गोल गोल घूम के चलते हैं? नहीं नहीं, वैसे मैं सीधे ही जा रही थी, फिर अचानक बोलिए। बनाने तो दो। हाँ? बताने तो दो। हाँ, तो अचानक मेरे सामने मक्खी आई, मक्खी मेरे आंख में चली गई, बस उसको हटाने के लिए गोल घूमी ऐसे। हाँ। देखिए आप जरा संभल के चलिए, आसपास बहुत सारी चीजें हैं। यो ये यू नो व्हाट टाइम इट इज। अरे कैसे लापरवाह लोग हैं ये, साफ साफ बता रही हूँ कि जरा ध्यान से चलिए, फिर भी इतनी लापरवाही। आश्रम के किराएदार है, आश्रम के मालिक, अकल ही नहीं है बिल्कुल। नुकसान कर दिया वो अलग, तो सीधा करना ही पड़ेगा। बेवकूफ, अकल नाम की चीज नहीं, पागल कहीं के। अरे तुम लोग का दिमाग कहाँ घाचन गया है? अरे दीपक भैया अपने आप को इतनी गालियां मत दो। अरे मैं खुद को नहीं तुम दोनों को गाली दे रहा हूँ बेवकूफों। अरे एक दाढ़ी तुम लोग से नहीं संभाली गई, मुझे देखो कितने टाइम से ज्ञानचंद जी बन रहा हूँ, मजाल है कोई मुझे पकड़ सके। ये होता है महान एक्टर। तुम लोग कभी जिंदगी में एक्टर बन ही नहीं सकते हो।
अरे फंसा दिया तुम लोगों ने, अरे तुम्हारे चक्कर में बाट लग गई हमारी, तुम्हें पता भी है? ये तो अच्छा हुआ लोखंडे जी किसी और काम में उलझे हुए हैं, वरना सुधाकर का बच्चा है ना, लोखंडे जी को बुला के लेके आता और हम लोग फंस जाते। और आप होते जेल के अंदर। मैं कैसे? तुम दोनों ही मेरे साथ होते। हम क्यों होते? हम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते कि आपने ही हमको ये सब कुछ करने के लिए कहा है। देखो मैं खाली ऐसे गुस्से में बोल गया। देखो ना ही हम जेल जाएंगे और ना ही कोई पुलिस आएगी। कैसे नहीं आएगी पुलिस? उस सुधाकर को सब कुछ पता चल गया कि हम ही सिलेंडर वाले थे और हम ही कैलेंडर बेचने वाले थे और हम ही लॉरी चला रहे थे। अरे सुरेश भैया एक काम करते हैं, पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता देते हैं। हाँ, चलो 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 चल, चल। रमेश सुरेश तुम अपने इस भाई को छोड़ के जा रहे हो? अरे ये मत भूलो, इसी भाई ने अपना पेट काट काट कर तुम्हें पाला है, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, हर महीने चौमिन हर महीने मोमोज खिलाया है, और आज तुम लोग इसी का साथ छोड़ के जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि श्री श्री शाहरुख खान साहब ने कहा है। अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब फिर हम बचेंगे कैसे? हाँ भैया, डोंट फियर व्हेन द बग इज हियर। बाबा रे बाप रे, बहुत गुस्से में लग रही है अभी, नया क्या मालूम। बाबा इन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। क्यों, अब क्या हो गया? अरे अकड़ देखी आपने इन लोगों की? इस घर में तो ऐसे चलते फिरते जैसे कि उनका ही घर हो, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं, टीवी देखते हैं। ऐसा करते हैं? हाँ क्या है ना बेटी, जाने दो ना। अभी देखो हम लोग नायगांव में थे तो ये सेवाश्रम वही लोग संभाल रहे थे, इसकी देखभाल भी वही कर रहे थे ना, अभी थोड़ा सा हक जताया तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं बाबा, इन लोगों ने इस सेवाश्रम की देखभाल करके हम पे या गरीबों पे कोई एहसान नहीं किया, और हक जताने में और लापरवाह होने में बहुत फर्क होता है, ये लोग लापरवाह है। जाने दो ना बेटी, कैसा है देखो व्यक्तित्व की प्रकृति, बराबर है, जितने अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, कोई किसी को पसंद आता है, किसी को कोई पसंद नहीं आता है ना, तो जाने दो ना। नहीं नहीं, मैं कुछ जाने वाले नहीं देने वाली हूँ बाबा, आप बाहर जाके देखिए जरा गमले की क्या हालत हुई है। अब गमले को क्या हो गया? उस मेंढक की माँ ने गमला तोड़ दिया है। मेंढक वो जानवर है बेटी, उसको क्या मालूम ये गमला है क्या क्या है। बाबा प्रेमचंद जी की बीवी ने गमला तोड़ दिया। अच्छा अच्छा, मेंढक की वो माँ। हाँ। मुझे लगा असली में। जाने दो ना बेटी, जाने दो, छोड़ नहीं दो। मैंने उन्हें समझा के कहा कि ऐसा मत करिए, जरा ध्यान से चलिए, पर नहीं वो यूं लहरा लहरा के चल रही थी, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा उन्हें। ऐसा हुआ क्या? जाने दो, हम नया गमला लेके आएंगे। हाँ बाबा हम नया गमला तो ले आएंगे, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है उसका क्या? अभी छोड़ दो ना बेटी, लेकिन किसी को कुछ मत बोलना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली। बाबा आप बहुत भोले हो, ये सब लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे। अब आप कुछ मत करना, अब जो करना है ना मैं करूंगी। रुक रुक रुक, क्या करोगे तुम? बाबा इन लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये घर उनका नहीं, ये घर हमारा है। नहीं बेटी। नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं तो ये लोग ऐसे ही तोड़फोड़ करते रहेंगे और उसका नुकसान कौन भरेगा? हम। इन लोगों को सिखाना पड़ेगा कि अगर इन लोगों ने कोई भी नुकसान किया ना तो उसकी भरपाई इन्हें ही करके देनी पड़ेगी। इन लोगों को इस घर में रहने के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे बस। इस महारानी के तेवर तो देखो, सोफे पर बैठकर कैसे नाखून काट रही है ये, इसे तो सीधा करना ही पड़ेगा। सुनिए। लेट अ बेबी। एक्सक्यूज मी। लेटो बेटी लेटो, सुबह से काम कर करके तुम थक गई होगी ना, इसलिए लेटो आओ। मैं लेट गई तो घर का काम कौन करेगा? घर के काम में यहाँ पे हाथ कौन बटाता है? सब लोग या तो रोटी पे घी लगाकर खाने में बिजी है या फिर नाखून काटने में। यहाँ कोई बिजी नहीं है, जैसा तुम बोलोगी ना वैसा ही सब करेंगे, पर अभी नहीं, बाद में, अभी मैं जा रही हूँ। सुनिए, जाने से पहले मुझे 500 रुपए दीजिए। वो क्यों? अब अगर आपको ये बात समझ में आती ना तो फिर क्या बात होती।
साड़ी लहराकर चल रही थी ना, आपने वहाँ का फ्लावर पॉट तोड़ दिया है। मुझसे फ्लावर वास टूटा और मुझे पता तक नहीं। आपको पता भी नहीं? नहीं। खैर, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन अगर आप इतनी लापरवाह हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपको हमारा नुकसान भर के देना पड़ेगा। लाइए 500 रुपए। तुम मुझे बोल रही हो? तुम्हें पता है मेरा माँ 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 पैसे देने वाली थी, लेकिन आप दिखे ही नहीं ना, तो इसलिए माँ ने मुझे पैसे दे दिए कि मैं आपको दे सकूं, है ना माँ? मैंने उर्मिला को पैसे दिए थे तुम्हें देने के लिए। हाँ, तो आप पैसे देने वाली थी तो सामने से आपने पैसे लाकर दे देने चाहिए थे ना? चाहिए थे, बिल्कुल चाहिए थे, सही कह रही आप, लेकिन आप दिखी नहीं ना, तो ये लीजिए ना, अभी अभी दे रही हूँ मैं आपको ये फ्लावर पॉट तोड़ने के पैसे। इसकी तो मैं सुनिए। हाँ हाँ, पैसे दिए है इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर की चीजें तोड़ते रहो और फिर उसका नुकसान भरते रहो। जरा घर की चीजों का ध्यान रखिएगा। सॉरी हाँ, आइंदा से हम लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो मैं जा रही हूँ। अब तो मैं जा रही हूँ, ऐसे माँ कह रही है। आप नोट गिनिए ना, चलो माँ चलते हैं। चलो इधर माँ, इधर चलते हैं। ये नोट, एक मिनट, ये सीरियल नंबर तो, हाँ ये तो वही सीरियल नंबर के नोट है जो सुबह मैंने प्रेमचंद जी से लेकर बाबा को दिए थे। यही नोट किराया चुकाने के लिए इन लोगों ने हमें दिए थे, और अब इन्हीं नोटों से गमला तोड़ने का नुकसान भी भर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या गड़बड़ है? मेरी बात ध्यान से सुनो, सुधाकर अभी आता ही होगा। जैसा मैंने समझाया है ठीक वैसा ही करना। आज देखना, सुधाकर को ऐसा गोल गोल घुमाऊंगा ना कि चक्कर खा के जमीन पे गिर जाएगा। सुधाकर और उसकी बीवी को मैं उधर खड़ा रखूंगा और मैं खुद 6 फीट दूर होके खड़ा रहूंगा ताकि मेरा झूठ ना पकड़ा जा सके। समझ गए? अरे भाई तू क्यों बोल रहा है? अरे मैं भी बुला रहा हूँ। आइए आइए और देखिए ये दो बदमाशों को जो आपको धोखा देके भाग गए थे। हाँ अभी भाग नहीं पाएंगे, सीधा जाएंगे जेल में। बिल्कुल सही कहा आपने सुधाकर जी। सबसे पहले मुझे इस झूठ पकड़ने के मशीन से दूर जाना होगा। ओ भाई ये क्या कर रहा है? अरे एक जन को एडजस्ट कर रहा हूँ। किसको? आपको और किसको? मेरी बात सुन सुधाकर जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जेल जाएंगे। लोखंडे जी, प्रेमचंद जी, ज्ञानचंद जी, जय और पूरा परिवार, और तो और सुधाकर जी आप भी जेल जाएंगे। मैं? हाँ। मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा जेल? मैं क्यों? बस खाली मैं? हा? पूरे परिवार को भूल गए सुधाकर जी? वाह, अरे शादी के बाद कितने स्वार्थी हो गए आप सुधाकर जी। मैं कभी सपने में नहीं सो सकता था। क्या हूँ? और भाई इसमें मेरी शादी कहाँ से बीच में आ गई? अरे आपकी शादी ही है इस झमेले की वजह। ना आप लोग खंडे जी को लेकर जंगल जाते शादी करने के लिए, ना जया भाभी गिरती, ना उनकी याददाश्त जाती। क्या हो? और भाई ओ, मैं जंगल में शादी करने के लिए नहीं जाता, जंगल गया उसमें मेरी शादी हो गई। अभी बोल ओ। क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसे कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं भाई, जंगल गया तो उधर कुएं में हाथ धोने गया था। ए भाई मेरी शादी गई तेल लगा रहे, मुझे ये बताओ। ए भाई मैं जंगल क्यों जाऊंगा? मेरा मतलब मैं जेल क्यों जाऊंगा? हाँ आपके लिए दोनों बात एक ही है, जंगल आपका ससुराल है और ससुराल जेल तो होता ही है। मैं ससुराल क्यों जाऊंगा? ये लोग जाएंगे। अरे ये लोग आपके ससुराल क्यों जाएंगे? हाँ हाँ मेरे ससुराल ये लोग क्यों जाएंगे? ए दीपक तू बात को गोल गोल घुमा मत, पहले मुझे ये बता कि मैं जेल क्यों जाऊंगा।
और ये परिवार वाले जेल क्यों जाएंगे ये बता। क्योंकि आप और पूरा परिवार एक मासूम सी जया नाम की लड़की को धोखा दे रहे हैं। वो लड़की जिसकी याददाश्त जा चुकी है और आप उसे 2018 में उसको यकीन दिलाने में लगे हैं कि 2018 नहीं 2012 है। ये धोखा नहीं है जंगल के दामाद, तो ये क्या है? जी शुक्रिया। ये क्या शुक्रिया क्या समझ में आया? अरे इनका तो जवाब ही नहीं है। बाबा क्या हुआ बेटी? नहीं हुआ कुछ नहीं, पर मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ नहीं ये प्रेमचंद जी है ना, ये और उनका परिवार बहुत ही भोले लोग हैं, बहुत भोले बहुत सच्चे ईमानदार लोग हैं बेटी, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैंने आपको उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं ना। नहीं पूछा, मालूम है मैंने ऐसे ही बता दिया, एक बात आपने बता दी। कितने अच्छे हैं ये तो अभी पता चल जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.